ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, बहुत आता है पेपर में, कि अगर आपको एक वेव फ्रंट गिवन है और वेव फ्रंट को अगर आप प्रिज्म में से पास करें तो आप उसका पाथ बनाएं कि उसका पाथ कैसा होगा और वेव फ्रंट कैसे मूव करेगा। तो अगर आपका ये वेव फ्रंट बिल्कुल प्लेन आ रहा है, बिल्कुल सीधा आ रहा है, लाइट इसमें एंटर करेगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी, बेंड होकर नीचे की तरफ हो गई तो वेव फ्रंट टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। तो बस यही आएगा, प्रिज्म में से पास करके दिखाओ कैसा बनेगा डायग्राम, तो ऐसा बनेगा। फिर अगर ये नहीं आया तो ये आएगा, आपके पास अगर एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है और लेंस में पास करने के बाद वेव फ्रंट कैसा दिखेगा ये बताओ। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर ये प्राइमरी वेव फ्रंट है तो सेकेंडरी बना के दिखाओ कैसे बनेगा। तो प्राइमरी अगर मान लो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, रेज कन्वेक्स लेंस में क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती हैं। जब कन्वर्ज होती हैं तो इसका वेव फ्रंट टेढ़ा बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा। रीज़न, क्योंकि जो रे है, लाइट है, वेव फ्रंट के साथ हमेशा एंगल क्या बनाती है, 90। तो 90 डिग्री के चक्कर में ये ऐसा बेंड हो जाएगा, इसका रास्ता ऐसा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये भी नहीं आया तो आपके पास ये आएगा, मिरर से स्ट्राइक करवा के रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाओ। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट में वेव फ्रंट सीधा आ रहा था, रेज यहाँ पर टकराएंगी तो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी, तो आपका वेव फ्रंट ऐसा बनेगा ताकि इसके साथ एंगल क्या बनेगा इसका, 90। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तीन फिगर में से कोई भी एक पार्ट आएगा आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, ये मेंशन है तीनों के तीनों डायग्राम, आप इसमें से ड्रॉ कर लेना। कोई डाउट इसमें? तो वेव फ्रंट की शेप समझ में आ रही है कैसे बनेगी इसमें?